तो हाइब्रिडेशन में देखो, प्रीवियस लेक्चर हम लोग देखा था हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन में आपका कितने टाइप्स होते हैं भाई? एसपी एसपी टू, एसपी थ्री, एसपी थ्री डी, एसपी थ्री डी टू, एसपी थ्री डी थ्री। स्ट्रक्चर लिनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल बायपिरामिडल। बॉन्ड एंगल 180, 120, 109, 28 मिनट, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, 90 डिग्री, 72 एंड 90। अब लिनियर है तो बॉन्ड एंगल याद रखने के लिए स्ट्रक्चर लिनियर कैसे होगा? बीच में एक सेंट्रल एटम होगा, मेन एटम जिससे अटैच होंगे कोई भी एक्स वाई जेड। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180। अब भैया पूरा का पूरा सर्कल 360 का है, तो ये इतना यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 180। रेगुलर ट्राइगोनल है, तो ट्राइगोनल कैसा होता है भाई? इस टाइप का होता है। तो ट्राइगोनल में बॉन्ड एंगल कितना होगा? सभी ये एंगल सेम है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सेम है, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा बच्चा? पूरा सर्कल होता है 360 का, तो यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो रटना नहीं है, बस बस टेट्राहेड्रल में याद रखना है बॉन्ड एंगल, बाकी सब जगह समझना है। 120 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थोड़ा सा एडजस्ट करके बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे देख के नहीं बता सकते, आपको याद रखना पड़ेगा। ट्राइगोनल बायपिरामिडल में बीच में सेंट्रल एटम, एक ऊपर एक नीचे। तो भैया ट्राइगोनल है तो 120, और ये इस तरह से है, इसका और इस बोर्ड का एंगल एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री, इसलिए 120 एंड 90 डिग्री बोले जाते हैं यहाँ पे। ऑक्टाहेड्रल में ये पूरा सर्कल 360 का, तो ये एंगल कितना का? 90, 90, 90, ऊपर इस तरह से है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी कितना होगा? 90। पेंटागोनल बाय पैरामिडल में तो 360 का सर्कल है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 72, और ये परपेंडिकुलर है, तो इसके कारण यहाँ पे 90 डिग्री का भी एंगल फॉर्म होगा। ये बताया था भाई, ये लिनियर, 180, ट्राइगोनल, प्लेनर, 120, मतलब 120, 120, 120, ठीक है। उसके बाद टेट्राहेड्रल, इसमें देख के नहीं बता सकते 109, ठीक है ना, इसमें आपको मेजर करना पड़ेगा जिससे बॉन्ड एंगल मेजर हो सकता है। अब ट्राइगोनल बाय पैरामीटर, तो ये ट्राइगोनल 120, पैरामीटर है तो एक ऊपर एक्सिस होगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है तो ट्राइगोनल बाय पैरामीटर, एक ऊपर पैरामीटर, तो एक नीचे और एक ऊपर, तो कितना होगा? ट्राइगोनल बाय पैरामीटर, तो ये किसके है? 120 है, ये भी 120। ऑक्टाहेड्रल कुछ इस टाइप का ज्योमेट्री होता है, ऑक्टाहेड्रल तो सभी बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री। पेंटागोनल बाय पैरामीटर में पेंटागोनल बनेगा इसके ऊपर एक, और एक उसके पीछे पैरामीटर, मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? 190 डिग्री का भी बनेगा, 90 डिग्री का, 72 का। हाफ फील्ड हाइब्रिडाइजेशन हाफ फील्ड नहीं, बॉन्ड जो बनाता है बच्चा वो हाफ फील्ड होता है, ये चीज को याद रखना। हाइब्रिडाइजेशन में वेकेंट, हाफ फील्ड, फुल फील्ड सब पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, बट ओवरलैपिंग में ओनली हाफ फील्ड, ठीक है, ये मेन डिफरेंस है ओवरलैपिंग से, तो नोट करना। इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पहले ये बताना कहाँ कार्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आउटर मोस्ट सेल, फिर ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट
इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट outermost cell orbital participate in the formation of molecules ya phir it nikal at the time formation of molecules karna at the time formation of molecule नोट कर लिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल्स जब फॉर्म होंगे जैसे यहाँ पे कार्बन है कार्बन से अगर हाइड्रोजन टकराएगा ये हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है जब ये आपस में टकराएंगे तो भैया इनके आउटर सेल टकराएंगे ना इनके क्या टकराएंगे आउटर सेल तब जाके CH4 बनेगा तो आउटर सेल है तो आउटर सेल का ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है उनके थ्रू होगा भाई अब बता सकते हैं यहाँ पे पता चल गया कौन से ऑर्बिटल टकरा रहे हैं आउटर मोस्ट सेल ठीक है ना अब ये ऑर्बिटल कैसे होंगे ये पूछ सकता है तो नोट करना इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वेकेंट और कौन कौन से बच्चा हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड In the process of hybridization, vacant, half-filled, full-filled, half-filled and full-filled orbitals are participate. इस बात क्या रखना? Overlapping में only half-filled, but hybridization में empty हो सकता है, half-filled हो सकता है, या फिर full-filled तीनों. Note down करो जल्दी. Fourth point है the number of newly formed orbitals are equal to number of orbitals which is participate in the process of hybridization. Note करो इस point को so the number of newly formed orbitals हमेशा equal होंगे पार्टिसिपेट जितने ऑर्बिटल कर रहे हैं उनके तो एक एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया और एक पी मतलब हाइब्रिडाइजेशन एस पी है sp2 sp3 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 sp3d sp3d2 sp3 d3 तो कितने ऑर्बिटल एक एस का पार्टिसिपेट कर रहा है और एक पी का तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 एस का पी का 3 मतलब 2 तो टोटल कितना जाएंगे 3 एस का 1 पी का कितना भाई 3 तो टोटल ऑर्बिटल 1 2 3 4 यहां बताओ नेक्स्ट वाले में कितने होंगे 5 यहां पे कितना 5 वेरी गुड फाइव यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 तो याद रखना ठीक है ना एस पी ऑर्बिटेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे 2 एसपी 2 में 3 एसपी 3 में 4 एसपी 3 डी में 5 एसपी 3 डी 3 डी 2 में 6 एसपी 3 डी 3 में 7 नेक्स्ट पॉइंट नोट करना
अब इनका शेप कैसा होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, ठीक है ना, द शेप एंड साइज, द शेप एंड साइज ऑफ ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल, द शेप एंड साइज ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल, द शेप एंड साइज ऑफ ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल के शेप और साइज क्या होते हैं, आइडेंटिकल, एक जैसे, तो इस तरह से डंबल शेप का ही होता है, एक बड़ा डंबल से एक छोटा डंबल से। तो ये है भैया हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है ना, इसको बोला जाता है क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल, नोट कर लो भाई। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस टाइप का होता है, द शेप एंड साइज ऑफ ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल, नोट डाउन कर लो। भैया जब हाइब्रिडेशन हुआ तो मॉलिक्यूल का शेप और साइज भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो नोट करना, द शेप और नहीं, दोनों अलग अलग चीज है, एंड साइज, द शेप और एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, द शेप एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकता है या फिर कंपाउंड आर डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, द शेप एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड आर डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया ये बात, हमने बताया ना टाइप्स कितने, sp, sp2, sp3, d, sp3, d2, sp3, d3, वहां पे शेप और साइज क्या होता है वाला टेबल नोट कर लोगे भाई। यहाँ पे टेबल नोट होगा कौन सा, एक सीरियल नंबर का कॉलम बनाना, 1, 2, 3 जो भी है, नेक्स्ट कॉलम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो स्टार्टिंग में हमने बनाया था, बनवाया कि नहीं बनाया ये टेबल बताओ पहले। बेटा ये टेबल बनवाने के लिए मतलब बनवाए हैं कि नहीं बनवाए हैं, हेलो कहाँ कुमसुम हो गए हो, किसी को आवाज नहीं जा रही का, इसका बॉन्ड एंगल बनवाया है ना, और उसका स्ट्रक्चर जो भी है, इस टाइप का टेबल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, है सर। तो ये टेबल नोट करना है, ठीक है ना, सीरियल नंबर, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल और एक स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट हुए, तो यहाँ पे एक टेबल बड़ा सा आ जाएगा 6 पॉइंट में, तो वो पॉइंट आप लोग खुद कंप्लीट करना है, ठीक है ना। रब कर दो इसको मैं, yes। नेक्स्ट पॉइंट करना, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल depends on the S percentage of hybridization,
ऑफ हाइब्रिडेशन एंड या फिर x परसेंटेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसको भी शिकल लेते हैं, x परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. And that means order of electronegativity. Nucleus के ज्यादा close कौन होता है भैया? s orbitals. Nucleus के ज्यादा कौन सा होगा? सबसे पहला orbital nucleus के पास में कौन सा? s वाला ही है ना. तो ऐसा माना जाता है जो nucleus के ज्यादा close है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींच सकता है, क्योंकि z effective भी work करेगा उसके साथ. इसलिए बोलते हैं s percentage is directly proportional to इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्या बोला मैं? न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज कौन है? एस. एस ऑर्बिटल के पास क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन का प्रयोग कुल करने का क्षमता, कैपेसिटी या एबिलिटी, ये सब ज्यादा होगा. तो एस परसेंटेज किसमें ज्यादा है भाई? जिसमें ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी हाई. sp3d2 sp3d3. बताओ मुझे किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा? sp. s परसेंटेज ज्यादा. क्लियर है? नोट कर लो भाई. s परसेंटेज यहाँ पे s परसेंटेज है 50, यहाँ पे कितना था भाई? 33.3 25%. यहाँ पे कितना था भाई? 5 था ना, तो 20%. यहाँ पे कितना था? 18 आया था. कितना था? 18. बोलो कितना है होगा? यहाँ पे शायद 18 के आसपास आएगा और यहाँ पे 16. एस परसेंटेज धीरे धीरे कम हो रहा है. नोट डाउन कर लो बच्चा लोग. तो स्कूलों में ये फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स 2 मार्क्स में दे देते हैं. क्वेश्चन पूछते हैं कैसा फॉर्म हुआ. तो भैया फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए? एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, दोनों आपस में मिलेंगे, H2 बन जाएगा. तो ये पहला हाइड्रोजन, ये सेकंड हाइड्रोजन, इसके पास भी न्यूक्लियस, इसके पास भी न्यूक्लियस. न्यूक्लियस पे क्या होता है भैया? प्रोटॉन. यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन. तो दोनों हाइड्रोजन दूर दूर थे. अब होता है क्या है, जब दूर रहते तो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं भाई. ये दूसरे खिड़की पे बैठा है, ये दूसरे खिड़की पे बैठा है, फिर एक दूसरे को देख रहे हैं. तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को देखेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देखेगा. भैया अपोजिट साइड वाले ये ना अट्रैक्ट होते हैं, नेचर का लॉ है. तो भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ताक रहा था, नजर गड़ाया हुआ था इधर का प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पे. तो उसके बाद क्या हुआ, अपोजिट चार्ज वाले एक दूसरे के अट्रैक्ट आने, अट्रैक्ट हो गए, मतलब पास आ गए, बहुत पास. दोनों अलग अलग बीच में रोड था, इधर एक घर है, इधर एक घर है, इस खिड़की पे इधर का हाइड्रोजन, इधर का इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, इसका इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को देख रहा था. अब दोनों आ गए पास, ठीक है. अब क्या हुआ भाई, पास आने के बाद पता चला प्रोटॉन प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन भी है. उसको पता चला अरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है. तो भैया क्या हुआ, पहले यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ, यहाँ पे पहले फर्स्ट टाइम क्या हुआ, अट्रैक्शन. अट्रैक्शन से दोनों पास आ गए अपोजिट चार्ज के कारण. अब देखिए यहाँ लिख सकते अट्रैक्शन को. अब अपोजिट चार्ज वाले को देख के अट्रैक्ट हुए, यहाँ पे सेम चार्ज वाले को देख के क्या जाएंगे फिर? बोलो, रिपल्शन होगा. सेम चार्ज को देख के क्या करेंगे? रिपल्शन. अब क्या होंगे? दूर भागेंगे. दूर भागे तो फिर से क्या हुआ भाई, अट्रैक्शन स्टार्ट. प्रोटॉन को सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ क्या दिख रहा है? प्रोटॉन. फिर से अट्रैक्शन. तो अट्रैक्शन के कारण फिर से पास आएंगे, फिर दूर जाएंगे. तो हम लोग सोचा है इतना बार बार पास आना दूर जाने से अच्छा एक फिक्स डिस्टेंस बना लेते हैं. इसका देखो उन्होंने क्या किया, एक डिस्टेंस जहां पे रिपल्सन फोर्स, जहां पे रिपल्सन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स
एक ऐसा डिस्टेंस मेंटेन किया जहां पे रिपल्सन फोर्स एंड अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू इच अदर, ना ही रिपल्सन हो रहा वहां पे ना ही अट्रैक्शन, और वहीं पे क्या बन जाता है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच, इसे को बोलते हैं भैया H2 बन गया। तो इतना बता दोगे कि नहीं बता दोगे, कोई बड़ा बात तो नहीं था, नीचे दिख नहीं रहा है, इसको ऊपर बना लेते हैं। एक ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे जहां पे अट्रैक्टर फोर्स इक्वल हो जाएगा रिपल्सन फोर्स पे, और यहां बन जाएगा H2। तो यही बोलते हैं VBT के अकॉर्डिंग H2 मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है ऐसा, और जब पास आएंगे तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन वाला पूरा फिनोमेनन जो होता है भैया कर्मकांड होगा, ठीक है ना। तो नोट कर लो भाई, बराबर तो है भाई, वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडेशन है भाई एक्स का वैल्यू, एक्स इक्वल टू क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस टोटल मोनोवेलेंट एटम, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस, जॉय बाय टू करेंगे। तो वैल्यू ऑफ x आया 2, हाइब्रिडेशन sp2, sp3d, sp3d2, sp3d3। 2 मतलब कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2, तो sp1 2 3, मतलब sp के 2, 1 2 3, sp 1 2 3 4, इस तरह से 4 से sp2, इस तरह से याद भी रख सकते हैं भाई। तो ये वाले के थ्रू आप निकाल सकते हो हाइब्रिडेशन, ठीक है, सिर्फ हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर नहीं, इस मेथड से स्ट्रक्चर सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर के लिए एक मेन जो स्ट्रक्चर बताता है एक्यूरेट स्ट्रक्चर वो होता है VSEPR थ्योरी, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग, पहले इसको सीखते हैं फॉर्मूला को यूज कैसे करें हम। तो भैया सबसे पहले यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम, नाम से पता चल रहा है फिर भी होंगे कई लोग कंफ्यूज, ये कौन सा चिड़िया का नाम है भाई, मोनो मतलब एम, वेलेंट एटम मतलब एम, ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना, मोनोवेलेंट एटम। तो मोनो मतलब 1, वेलेंट मतलब 1, तो जिसका वैलेंसी 1 हो, इफ एलिमेंट फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड, इफ एलिमेंट फॉर्म सिंगल बॉन्ड कर लो, सिंगल बॉन्ड, देन element is called monovalent atom, that means element has single valency, example hydrogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine. तो सिंगल वैलेंसी है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोवेलेंट एटम। डायवेलेंट मतलब डबल वैलेंसी, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भैया रटवाया हूं, ग्रुप 3 में, ग्रुप 13 में वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8, तो वही है भाई। अब क्वेश्चन करते हैं भाई, फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन,
तो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट को था जैसे CH4। तो बेटा यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है? अच्छा सेंट्रल एटम के बारे में तो बताया नहीं है, नहीं तो वहां पे भी कंफ्यूजन। सेंट्रल एटम ये भी सुन लो भैया, कौन सी चिड़िया का नाम है जिसको शॉर्ट में हम बोल रहे हैं CA? तो CA मतलब यहाँ पे चार्टर अकाउंटेंट नहीं, सेंट्रल एटम, ठीक है ना भाई। तो सेंट्रल एटम क्या होगा? स्मॉल इन अमाउंट इन कंपाउंड, स्मॉल इन अमाउंट इन कंपाउंड और मॉलिक्यूल, ठीक है। सेकेंड लार्ज इन साइज, साइज में बड़ा। थर्ड लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट हैज लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट हैज लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो भैया घर में मुखिया कौन रहता है? एक ही रहता है ना, तो अमाउंट में कम, लार्ज इन साइज, मुखिया कौन होता है घर का? जो बड़ा व्यक्ति हो। ऐसा तो नहीं था कल को जो बच्चा पैदा हो गया, ले भैया चाबी रख तू आज से घर संभालेगा, ऐसा करते हैं क्या? तो वही है भाई, घर का मुखिया मतलब सेंट्रल एटम। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड में जो भी मुखिया होगा, मेन एटम होगा, उसको बोलेंगे सेंट्रल एटम, जिससे सब कुछ जुड़े होंगे। तो कम होगा अमाउंट में, लार्ज इन साइज बड़ा रहेगा तो उससे ज्यादा लोग अटैच हो पाएंगे। एक छोटा सा एटम ऐसा, इससे ज्यादा लोग अच्छे से अटैच होंगे कि ये बड़े से एटम से ज्यादा लोग अच्छे से अटैच होंगे? कॉमन सेंस बताओ, बड़े वाले से ज्यादा अटैच होंगे ना भाई, इतना दिमाग सबका काम करता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए। जो भैया मेन मेंबर होता है, घर का मुखिया होता है, वो किसी और के तरफ ज्यादा क्या बोल सकते हैं, डेविएटेड या फिर झुका हुआ नहीं रह सकता बोलते हैं, न्यूट्रल टाइप का होना चाहिए ना। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए? कम। किसी एक का पक्ष लेगा तो उसको बनाएंगे क्या घर का मुखिया? नहीं बनाएंगे भाई। खैर ये बातें काल्पनिक है, पापा हमेशा या मम्मी किसी ना किसी के साइड रहते ही हैं। आज की सेवा समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये ट्रिक में याद रखना, सेंट्रल एटम क्या, मोनोवेलेंट एटम क्या है, और नेक्स्ट क्लास इम्पोर्टेंट है तो भैया अटेंड जरूर करना है, ठीक है ना? Yes, क्योंकि आधा घंटा नहीं लगाओगे पूरा प्रोसेस में। ठीक है, फिर बाय सभी।